नमस्कार, बीएचबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन विभाग। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने बुधवार यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आतंकवादियों ने आईईडी लगाया हुआ था, जिसे रिकवर कर नष्ट कर दिया गया है। भारतीय सेना की चिनार कार्प्स ने सोशल आईईडी रिकवर किए जाने और उसे नष्ट किए जाने की जानकारी दी है। हाईवे पर ये आईईडी ऐसे समय पर रिकवर हुई है जब हाल ही में आतंकवादियों ने पुंछ में सेना पर घात लगाकर हमला किया था। चिनार काप्स ने बताया है कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवायपुरा के पास आईईडी बरामद किया गया। चिनार काप्स के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बरामद कर और लवायपुरा में ही इसे नष्ट कर बड़ी आतंकी घटना को होने से रोक दिया है। इन दोनों आतंकवादियों ने सेना को निशाना बनाने के लिए घात लगाकर हमला करना और हाईवे और सड़कों पर आईईडी लगाना शुरू कर दिया है। घाटी में सर्दियों के आगमन के साथ ही आतंकी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सुबह के वक्त सुरक्षा बल नियमित गश्त लगा रहे थे, इसी दौरान उन्हें श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवायपुरा में एक गैस सिलेंडर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा देखा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत यातायात का मार्ग बदल दिया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को जानकारी दी गई और वह घटना स्थल पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड ने आईईडी में नियंत्रित विस्फोटक कराकर एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक ली। सड़क पर यातायात एक बार फिर से बहाल हो गया। इससे पहले नवंबर में जम्मू कश्मीर पुलिस को जम्मू में नरवाल सिधरा राजमार्ग पर एक टिफिन बॉक्स के अंदर फिट किया गया 2 किलोग्राम वजनी टाइमर आधारित आईईडी मिला था। अधिकारियों ने शाम करीब 5:30 बजे पुलिस चौकी के पास सड़क पर एक संदिग्ध वस्तु पड़ी होने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और बम को वहां से हटाया गया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।